भाइयों अभी मेरे साथ एक खेल हो गया, अभी वीडियोस पहले वाला सेव कर दिया था, दूसरे वाला बिना वीडियो ऑन करे हम 5 मिनट लगातार बोल रहे हैं और आधी चीजें हमने चढ़ा भी दी है। और बताओ ऐसा व्लॉग होगा, फिर से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी इतना चिल्ला रही है चाय बनानी और हम यहाँ किचन को पूरा अपने अंडर में ले लिया। तो यहाँ पे हमने वेसल बेहतर है गोदाने में पानी ले लिया, देख सकते हैं बढ़िया, और अपने अंदाज से ले लिया कितने कप है ये बस पूछना कि कुछ भी मतलब ये अपने अंदाज से ले लेते हैं, हर किसी को पता होता है कि अंदाज क्या है। और मेन मटेरियल आप देख सकते हैं मैगी आ गई है बढ़िया, दो मिनट वाली मैगी हम कितने टाइम में बना रहे हैं अलग अलग एंगल से। तो अब इसको बढ़िया जो है कि हम बॉयल वाली मैगी बनाते हैं, फ्राई वाली नहीं बनाते, वो भी बना देते हैं लेकिन वो अलग। आज मेरा यही वाला, मैंने ये थोड़ी सूप वाली मैगी खाएंगे बढ़िया, थोड़ा जुकाम भी लग रहा है तो वो भी सही हो जाएगा। तो बढ़िया आप चलिए इस मैगी को, ये मैगी बाद में लास्ट के 2 मिनट में, असली 2 मिनट में ये बॉयल होगी। पहले मेन पानी में सब्जी डाल करके हल्का सा देखिए इसको पूरा को डाल देते हैं मस्त। ये देखिए ये सब्जियाँ जा रही हैं इसमें, और अब स्टैंड को गैस में हमने आधी सब्जियाँ पड़ चुकी हैं और आधी बची हैं। पीछे बर्तन ये किए अपना स्पून निकाल लिया चक्कर में चम्मच को, पूरा जो है कि हमें क्या बताया कढ़ाइयाँ गिरते गिरते बन गई यार, अब तेल ना जाए मम्मी से डर लग रहा है। इसको भी एक बार धुल लेते हैं क्योंकि पीछे जाला वगैरह लगा रहता है, और आप लोग जानते हो कि कुछ भी इन्फेक्शन इस टाइम कोविड से लौट ही रहा है, बुरी खबर मिलती जा रही है साल शुरू होने से पहले, तो इसीलिए 2022 के एंड तक ही सारे बुरी चीज़ें बेकार जो हो रही हैं वो सब यहीं खत्म कर लेते हैं। तो इसको हमने धुल लिया, अब ये बची हुई सब्जी जो प्लेट में लगी है इसको भी हम इसमें डाल देते हैं मस्त। तो अब इसको गैस को करते हैं ऑन, क्योंकि टेम्परेचर मत पूछना कि हाई फ्लेम में, देखो गैस खोल के भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कोई पिज्जा नहीं बना रहे कि कितने डिग्री सेल्सियस पे चढ़ाना है, अपने धीमे आज या तेज आज जो लेनी है लो। ये चल चुकी है प्लेट, तो अब थोड़ी देर वेजिटेबल्स को हम लोग बॉईल करेंगे ताकि इसके जम्स और मर जाएं। देखिए पीजे आ गए सर पे देख रहे हैं भाइयों, ये सब्जी यहाँ पे बॉईल हो रही है, और ये देखिए मैगी मसाला, एक एक्स्ट्रा मैगी मसाला भी हमने लिया है जिसको कट कर लिया, और इसको भी कट कर लेंगे जो टेस्ट मेकर अंदर पड़े रहते हैं मैगी में। तो और ये देखिए मैगी भी अपनी अलग से निकाल के रख ली है, तो इसको भी काट करके रख लेते हैं जल्दी से फटाफट। और मैगी को 5 मिनट तक कम से कम बॉईल होने देंगे अभी ये वेजिटेबल्स को इसमें, और जब ये बॉईल हो जाएंगे और अच्छे से गल जाएंगी तब इसमें मैगी ऐड करेंगे और 2 मिनट तक उसको फिर बॉईल करेंगे, और स्टीम जो है कि ऊपर से प्लेट को से कवर करके इस भगोने को पूरा, तब जो है कि 2 मिनट तक पका लेंगे पूरा। तो अभी आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे साहिल कपूर के साथ, आज शेफ आपको अपनी रेसिपी दे रहा है, तो आज अपना सीक्रेट जो है कि रिवील कर दिया कि आपका भाई एक शेफ भी है, 7 personalities ऑफ अपरिचित, जिसमें से आप 2-3 देख ही चुके हैं, अभी बाकी की आगे दिखाएंगे और चीज़ें करके। तो ये तीनों मसालों को हमने कर लिया है कट, देख सकते हैं तीनों पैकेट को हमने खोल लिया है, और अब इसको रख लेते हैं साइड में इसमें, और मम्मी पीछे खड़ी हो गई है खेत पे आके चाय बनाने के लिए, और यहाँ टाइम होता जा रहा है, और इस मसाले को जितना भी बताने की कोशिश करो कि ये वेस्ट ना हो, तो काटते टाइम आधा तो बाहर ही चला गया, अब लाइन है तो वो सब नहीं दिखाएंगे। अब क्या करते हैं देखते हैं, ये थोड़ी सी बॉयल हो रही है, हल्का सा जो है कि इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि मैगी चिपके ना बॉयल होते टाइम। तो इसको भी अपने अंदाज से हमने डाल लिया, अब इसको तो हम बता सकते हैं आप 2 स्पून जो है कि ऐड करें समथिंग, ताकि जब बॉयल करें तो मैगी जो स्टिकी नहीं हो जाती, स्टिकी ना हो, तो काफ़ी जो है कि ये अब इसके कारण जो है कि इसमें बॉयल कर लेंगे इसकी सब्जी में। साहिल कपूर आज ऐसे सीक्रेट टिप्स दे रहा होगा, हैक्स नहीं होते हैं जो भी होता हो बढ़िया दे रहा है, और इसको आप नोट कर लीजिएगा भैया डायरी में, इम्तिहान में जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। तो बढ़िया देखो उतार भी दिया गैस से, सब्जी चढ़ रही है और गरम गरम भाप दे रही है। तो बस अब इसमें थोड़ी देर और बॉयल होने देते हैं, रिफाइंड अभी इसमें हमने ऐड कराया, तो थोड़ी देर 2 मिनट का और बॉयल होने देंगे सब्जी में। अच्छा हम ये आधा जो है कि पैकेट अभी इसमें ऐड कर दे रहे हैं, ताकि आधे पहले ऐड करने से जो है कि स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो आधा पैकेट इसमें ऐड कर देते हैं, आधा पैकेट बचा लिया, ये जब मैगी डालेंगे उसके साथ डालेंगे। अभी इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं वेजिटेबल के साथ, फिर 1-2 बॉयल आने तक इसको बढ़िया चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स। तो भाइयों यहाँ पे आप देख रहे हैं बढ़िया जो है कि मैगी बॉयल हो गई है, और मम्मी ने किचन आधा घेर लिया, तो हमें बड़ी हो रही है दिक्कत क्योंकि हम अकेले पसंद करते हैं किचन में रहना, मम्मी यहाँ आ चुकी है तो हमें एलर्जी हो रही है थोड़ी सी, अब जल्दी जल्दी बना के खत्म करना पड़ेगा सिस्टम। तो यहाँ पे सब्जियाँ जो है इसी के साथ बॉयल हो चुकी है ना, और उधर मम्मी बर्तन धुल रही है कायदे से। तो एक चीज़ हम शेज़वान चटनी चिंग्स वाली जो अपने रणवीर सिंह ऐड करते हैं, जिसका 1 चम्मच ये इसमें ऐड कर देंगे, और फिर इसी में इसको पहले मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से। ये बात, तो 1 चम्मच शेज़वान चटनी बढ़िया अपनी ऐड हो जाएगी, शेज़वान भाई इसको प्रोनाउंसिएट करने में बड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, तो जो भी बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से, तुम लोग जो बोलते हो वो तुम लोग बोलते हैं, आपको सो लेना पकड़ देना बैठ जाना। बढ़िया देखिए इसमें मिक्स कर लिया, दिखा देते हैं एक बार उतार के, ये देखिए आप कैमरे में लग रही है, और ये इसमें अब इसको 2 मिनट और बॉइल करेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ, एंगल सेट नहीं हो पा रहा है भाई, और एंगल और सेट करके बैठेंगे। तभी आज हमने ट्राई करा कि इस स्टैंड के साथ बढ़िया कुछ बना के, तो देखें सीधे करके देखें, अब तो अगर उसको बॉइल आने तक के लिए रोकेंगे ताकि फ्लेवर रखने को, एक बार मिक्स कर देते हैं अपना चमचा कह लो जो भी कह लो, इससे बढ़िया मिक्स कर देते हैं, और ये सब बढ़िया। और हम जब खाते हैं तो हम 2-2 पैकेट मसाले लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी कड़वी मैगी पसंद है, और हम मिर्चा भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा डालते हैं 2-2 मिर्च और वो वाली भी, लेकिन आज घर वाले भी खाने तो हमने आपको बताया ना, तो इसीलिए कम डाला है सर। यहाँ मम्मी खा रही हैं पूरा हाइजीन की वॉट लगाए, अपने घर में सब कुछ खा सकते हैं, बस
से वो उधर साइड में काफी पीछे। अब हाँ, एक चीज इसमें और ऐड कर रहे हैं, केचप भी थोड़ा सा जो है कि टोमेटो केचप, ये मैगी का है लेकिन हमारे क्या बॉटल है तो इसी में ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा केचप भी मिला दिया ताकि थोड़ा सा मिठास भी आ जाए। अब इसमें बढ़िया जो है कि फिर इसको मिक्स कर लेते हैं और एक दो बॉयल आने तक रुकते हैं ताकि इसका भी फ्लेवर आ जाए। ये सब टिप्स है भाई, नोट कर लेना, ऐसी मैगी बनाते हुए बंदा कहीं दिखेगा नहीं। अरे यार एक साउंड अभी सब डालेंगे, फिर कभी डाल दिया, अब रिकॉर्ड हो गया, हम डालेंगे बस। ये मत कहने बाद में दूसरे रिश्तेदार इनको बता रहे आ रही हो अप्पी, तुम अप्पी मतलब बड़ी बहन, हाँ तो फिर वही है ना कि दूसरों की बात तुम बताना, पहले बता रहा हो यहाँ पे बढ़िया सब्जी अब्जी का स्वाद सूप बढ़िया तैयार हो चुका है। सर्दी में ऐसा मिक्स वेज सूप आप पी रहे हैं तो साहिल के हाथ का अगर आपने ये टेस्ट कर लिया जिसको खाना होगा आ जाओ, इतना गलत लग रहा है कि उंगलियां चाटते जाओगे चम्मच छोड़ के, हाथ से इसको उठाओगे पानी को, पानी को मतलब इतना बढ़िया सूप का रूप दे दिया कि क्या बताएं। अब एक बॉयल आने तक बस रखते हैं, वैसे अभी हम ज्यादा चीजें नहीं डाल रहे क्योंकि फिर ज्यादा ओवर भी हो जाती है, अलग से चीजें ऐड करते हैं, जैसे हल्का बटर भी डाल देते हैं उनका टेस्ट लाने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा स्वाद लाने के चक्कर में पूरे स्वाद की वाट लग जाती है, तो इसमें नॉर्मल बस हल्का सा सिजरॉन्ग चटनी और ये वाली जो चिंग्स वाली होती है वो वाली ऐड करिए और थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड कर देते हैं, ये हमें टेस्ट अच्छा लगता है। बाकी जिसको अलग से केचप वगैरह बहुत नॉर्मल लोग डाल के खाते नहीं है मैगी में, पर हमें पसंद है, मेरी चॉइस है तो हम डालते हैं भैया, केचप हमें बहुत फेवरेट है मेरा ये कह लो। तो बस दो मिनट आप लोग रुकिए। तो भाई हमने यहाँ पे एक मटर को इसी चमने से चम्मच से साफ करके चेक कर लिया है तो वो बॉयल हो चुकी है काफी अच्छे से और पक भी चुकी है, तो आप इसमें देख सकते हैं आप काफी ज्यादा आप लोगों को व्यू दिख रही रहा होगा, बाप रे इसको बचाएगी कैमरे को। ठीक है थोड़ा सा और जो है इसको पीछे करते हैं और जूम करते हैं कैमरे को, ठीक है कहीं कैमरा ये पूरा स्टैंड मैगी के अंदर ना घुस जाए, मेरा फोन पता चला गरम गरम मैगी में बढ़िया इसका मैगी ना हो जाएगा। तो ये बढ़िया हो चुकी है सब्जी बॉयल, अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, और नहीं दिख रहा है तो ये सब टाइम पास याद ना करो, पढ़ाई वढ़ाई करो या बैठे टाइम पास कर रहे, ऐसा नहीं है यार, तो सब लोग बढ़िया जुड़े रहो। अब बस इसमें ऐड करने का वक्त आ गया है, मैगी ऐड कर देते हैं फटाफट, ये कर दी मैगी ऐड। अब इसके टेस्ट मेकर जो है बढ़िया दो पैकेट जो इसके साथ ही मिलते हैं मसाला उसको भी ऐड कर देते हैं, टेस्ट मेकर वैसे बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी मेरे कई जाहिल भाइयों को नहीं आती है, तो उन जाहिल भाइयों के लिए साहिल भाई है ऐसे खाने के लिए, नाम नहीं लेंगे वरना सब एक को कह दो तो सब नाराज होंगे, और ये सबको यही नहीं पता कि सभी जाहिल है, हम कुछ जाहिल है। यहाँ पे दोनों को नहीं मिलाएंगे, इसको आधे डाला है पहले, अब इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से और फ्लेम को धीमे कर दिया, ये सब धीमे आंच पे करना वरना पूरी मैगी की वॉट लग जाएगी। और यहाँ मम्मी रतन रतन पटक रही हैं कि जल्दी हटो जल्दी हटो, रे किचन की हालत देख के उनका दिमाग खराब हो रहा है। इतनी ज़्यादा धार पड़ रही है पता नहीं क्या यार, बनाते बनाते मन भर जाता है, सही कहते थे लोग कि मेरा तो मन सुन के ही मन पेट भर जाता है लोगों का, तो अब समझ में आ रहा है जब चीज़ें बनाओ तो क्या घूर क्या रही हो, मैं तिरछी नजर भी है मेरे बारे में सब दिख रहा है, यहाँ पे मम्मी घूर रही हैं मतलब क्या कहना क्या चाहती है, खुल के खाओ और लो पानी छटक के नीचे फ्लेम पे आ चुका है। तो अभी एक पैकेट जो टेस्ट मेकर है वो मिक्स तो हो जाए बढ़िया मैगी में, देख लो कैसे मिक्स करा जाता है वहीं चारों तरफ से। अरे हाँ बताओ भैया सकते उनकी मैगी सकते उनकी चाय बन रही है बढ़िया, तो चाय वाय हम पीते नहीं है बिल्कुल, तो हमारे लिए कॉफ़ी बनाया करो, पता है ना अपना ही बना लेती हूँ मैं। अब इस वाले पैकेट को भी ऐड कर देंगे टेस्ट मेकर को, खड़ा हूँ यहाँ वहाँ ये देखो ये बढ़िया कर दिया ऐड, पूरा निचोड़ लो भाई। अब ये वाला जो आधा बचा हुआ है इसको एकदम एंड में ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल बॉईल हो जाएगी, और ये भाई इसको तो हम एक एक दाने पूरे जो है कि बटोर लेंगे समेट करके, चलो अंदर। बहुत लंबी लेंथ हो गई यार वीडियो को, इसको शॉर्ट कैसे करें यार, बताओ तुम लोग लंबी वीडियो देखो। इसको मिक्स कर लेते हैं बढ़िया से और धीमी फ्लेम कर लेना, वरना इतनी देर में ये रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद भी स्टिकी का कोई वो नहीं ले सकते गारंटी, फिर कहो कि स्टिकी बन गई ये बन गई, इसीलिए रेसिपी है बहुत बढ़िया, खाओगे तो मज़ा आ जाएगी, इसको खाना आ जाओ, यही आज इसका टाइट होने वाला है वीडियो का। अरे यार उधर रहते कटरे के दम 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 क्या कर रहे हो, मम्मी बाहर पूरे ब्लॉग की वाट लगाओगी क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है करती रहो, भाई समझदार है मेरे साथ, सब घर वाले हैं तो सबको पता है, सबके साथ ही होता है तो अच्छी चीज़ है, मेरे साथ ही हो रहा है, अब नॉर्मल होने हैं नॉर्मल बनने हैं भैया। तो ये देखो भाई थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देते हैं, बढ़िया सूप भी है इसमें आधा और अभी मैगी भी है, अभी मैगी आधी कच्ची है, तो अब बस इसको थोड़ा पकने के लिए दो मिनट प्लेट से ढक देंगे और ये वाला मसाला ऐड कर देंगे और अपनी मैगी हो जाएगी तैयार। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं एकदम एंड में। अब तो भाई यहाँ पे हमने प्लेट से इसको कवर कर दिया था, हटाते हैं, दो मिनट हो गए, ये डस्टर हमने लिया है, काफ़ी गर्म है ये क्योंकि आप साइंस थोड़ा बताएं तो स्टीम ज़्यादा तेज लगती है किसी भी गर्म चीज़ को पहचाने से ज़्यादा, भैया जिसमें साइंस पड़ी होगी भाई बता पाए। अब थोड़ा सा इसको हम लोग चला लेते हैं मैगी को, क्योंकि देखिए हल्का सा सूप बचा और पूरी मैगी भी बढ़िया से बॉईल हो चुकी है और हल्का ही साइज सूप बचा है इसमें, तो अब वो हल्का सूप रखेंगे क्योंकि हमें सूपी मैगी चाहिए थोड़ी सी, तो इसको मिक्स कर लेते हैं वरना नीचे लगने लगी, और देखो मैगी बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, ये सिर्फ रिफाइंड का कमाल है, देखो बिल्कुल एकदम अलग अलग एक एक अलग हो रही है, समझ रहा हो ना कितनी खतरनाक ट्रिक और टिप्स दे दिए साइड ने, बफरिंग हो रही है। तो अब फाइनल टच जो है लेमन है, इसको हल्का सा ऐड कर देते हैं, हल्का सा बिल्कुल
बस तो हल्का सा ऐड कर दिया और ये मसाला आधे का भी आधा डालेंगे क्योंकि आधा हम अलग से ऐड करते हैं खाते टाइम। बस तो इतना हमने अपने लिए बचा लिया जरा सा है इसमें। अब इसको कर देते हैं मिक्स और एक बार बस मिक्स करते करते ही ये जितनी देर लगेगा मिक्स होने में उतनी देर में बॉयल हो जाएगी और बन जाएगी आपकी मैगी हो जाएगी रेडी। तो अब आपको प्लेट में सर्व करके दिखाएंगे इसको बढ़िया। तो भाइयों यहाँ पे पूरी मैगी आ चुकी है प्लेट में, एक भी मैगी आप लोग को लगी हुई नहीं दिख रही होगी क्योंकि हम भैया एक भी वेस्ट नहीं कर सकते। देखो फूड को किसी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए तो भगवान ने को बिल्कुल कर दिया है साफ, क्या बोल रहे हैं ना। अब इस चम्मच में भी जो लगा है वो बचा बचा भी आ जाएगा प्लेट में। तो इसको कर लेते हैं प्लेट में बढ़िया, चम्मच भी हो गया देखो साफ। आपको दिखाते हैं प्लेट में ये हो चुकी है सर्व बढ़िया मैगी और अभी इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। फाइनल लुक अपने सजावट है क्या सस्ता नहीं कहेंगे, ये शाही कपूर आप देख सकते हैं, ये अंधेरा पड़ रहा है यार। हाँ ये देखो इधर साइड इधर भाइयों हल्का उसमें अभी नीचे पानी जो है कि नीचे बैठ गया और मैगी ऊपर आ गई है, अभी उसको मिक्स करना पड़ेगा अच्छे से। तो ये हल्की हल्की सूपी और हल्की हल्की जो है कि नॉन स्टिकी मैगी है ये बढ़िया, खाओगे तो मजा आ जाएगा। गार्निश देख रहे हो सिर्फ धनिया डाल दिया एक में और हम ये धनिया वनिया इतना नहीं खाते हैं तो हमने इसको साइड रखा है। अपने में हल्का हल्का सॉस ऊपर से बस जो है कि डाल दिया, वो इतना घटिया हुआ है क्या ही बताएं कि कैसा, बस अब इसको टेस्ट करके बताएंगे। और ये टेस्ट क्या करना आप लोग ऐसे जान लो कि अब हमने बनाई है तो अपने मुंह या मिट्टू तो हम बनते ही हैं तो समझ रहे हो ना। तो आप लोग बस समझ लो साहिल ने बनाई है तो आ जाओ खुद ही खा के बताओ, हम तो अपनी मैगी को अच्छा ही बोलेंगे यार, बुराई हम कर नहीं सकते। और ये देखो बैठी है कैसे कर लिया मम्मी, मेन काम अब कर रही है, इतना फैलावा हो गया कि अब वो समेट रही है। और अभी बस कैमरा बंद हो रहा है तो उसके बाद तो हम ही को बताएं ना हमें क्या क्या झेलना। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। भाइयों एक चीज आपको दिखा रहे, देखा वो बैठा है पीछे अपना दूसरा बेटा, इस घर का दूसरा बेटा गाना अभी तक अंदर घुसा था, जैसे ही हमने यहाँ मैगी रखी है बढ़िया कांच पे गरम गरम प्लेट है तो पेपर बिछा करके रखी है ऊपर, तो तुरंत देखते हुए चला आया है। और अभी देखना कैसे मेज पे चढ़ के आकर खाएगा, इधर आओ इधर आओ, वीडियो में देखो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ गया सारा, बहुत डर हो गए अंदर घुस गया। और अभी जब खाएंगे तब मेज पे चढ़ के खाता है साथ में बैठ करके। तो इसको भी बताइए घर का दूसरा बेटा इतना दिमागी है साला, आज मेज के ऊपर नहीं आ रहा, वहाँ खाना रख दिया वहाँ से उठा उठा करके अपने घर में लेके जा रहा है, जो 200 वर्ग का विला बना हुआ है इनका, चुप्पे से आ रहा दिमाग लगा करके उठा करके वहाँ लिए जा रहा है। ये देखो देखो कैसे उठा रहा है, ये देखो हाँ ये बात ऊपर नहीं आओगे तो बचे रहोगे, आवाज सुन लो बेटा कोई दिक्कत नहीं, कहाँ कहाँ बेटा कहाँ, इतने दिमागी होते हैं इतने दिमागी होते हैं, वाह भैया वाह। देखा आप लोगों ने भाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये है ऐसे दिमागी भाइयों, क्या बताएं इतनी गजब की मैगी बनी है, इतनी गजब की मैगी बनी है कि खुशी बता नहीं सकते। अलग से हमने मैगी मसाला जो रखा था वो भी डाल लिया और हल्का सॉस डाल लिया, तो टेस्ट बनाना पड़ता है यार, देखो खुद का टेस्ट खुद ही बना सकते हो। तो बना लिया अपने मुंह तारीफ कर रहे हैं, मम्मी और सानिया से पूछ करके बताएंगे तो जबरदस्ती उनसे भी तारीफ करवाएंगे, वरना वो तो बेइज्जती करती है हर बार की घटिया बनी है, लेकिन क्या बताएं इतनी गजब की बनी है कि वाह उम्दा, मजा आ गया भाई मजा आ गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सलाम बाय बाय टाटा खत्म बाय।